गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अगेन ऑन चैप्टर थर्ड, द इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो था वो सेटअप किया था आर्टिकल 324 फर्स्ट के अंदर। ऑल द इलेक्शंस, ऑल टाइप ऑफ इलेक्शन, जैसे वो प्रेसिडेंट के हैं, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दी गई है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ओनली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाता, उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपॉइंटेड किया गया फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। नाउ वी हैव डिस्कस इलेक्शन कमीशन जो है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो इलेक्शन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी वन मेंबर और ए मल्टी मेंबर। तो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर या तो वन मेंबर हो सकता है या फिर मल्टी मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वॉज सिंगल मेंबर। आफ्टर 1989 द ई सी वर मल्टी मेंबर्स। ठीक है, आफ्टर 1993 टू इलेक्शन कमीशन वंस अपॉइंटेड एंड द कमीशन बिकम मल्टी मेंबर्स सिंस then it means 1+2, 1 है CEC Chief Election Commission and 2 कौन है EC Election Commissions। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर या तो वन मेंबर होता है, सिंगल मेंबर होता है या फिर मल्टी मेंबर्स होते हैं। 1989 तक इलेक्शन कमीशन वॉज सिंगल मेंबर, तो उसमें एक सिंगल मेंबर था 1989 में। उस समय एडल्ट की एज जो थी वो कितनी थी, 21 ईयर्स। ठीक है, वोटिंग एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अंदर। आफ्टर 1989 द ईसी इलेक्शन कमीशन वर मल्टी मेंबर्स, एक से ज़्यादा मेंबर हो गए। तो उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अकॉर्डिंग एज कितनी थी, 18 ईयर्स। आफ्टर इन 1993 इलेक्शंस में टू इलेक्शन कमीशंस वंस अपॉइंटेड, एक बार वापस से दो इलेक्शन कमीशंस अपॉइंटेड किए गए थे एंड इलेक्शन कमीशन वो बिकम एंड कमीशन बिकेम मल्टी मेंबर्स सिंस देन। और उसके बाद से इलेक्शन कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर्स बना हुआ है, 1+2, 1 तो है चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अदर जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब हम देखते हैं वर्किंग। तो यहाँ पर हमने देखा who is having more power,
हु इज़ हैविंग मोर पावर, मतलब मोर पावर मतलब सी ई सी वर्सेस ई सी, कि दोनों में से किसके पास ज़्यादा पावर होती है, सी ई सी के पास ज़्यादा पावर होती है या अदर टू इलेक्शन कमीशन्स जो अपॉइंटेड किए गए थे उनके पास ज़्यादा पावर होती है. उसने बताया है द सी ई सी द चीफ इलेक्शन कमीशन द चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेजिडाइज ओवर द बट डज नॉट मोर पावर देन ई सी. तो यहाँ पर हमने दोनों की पावर्स, मतलब यहाँ पर हमने देखा 1993 के इलेक्शंस में दो इलेक्शन कमीशन्स जो थे वो सेटअप एक बार वापस से सेटअप किए और मल्टी मेंबर्स हो गए थे, 1+2, एक सी ई सी चीफ इलेक्शन कमीशन और दो अदर मेंबर्स से इलेक्शन. ठीक है, हु इज़ हैविंग मोर पावर, किसके पास ज़्यादा पावर थी, सी ई सी के पास ज़्यादा पावर होती है अदर टू इलेक्शन कमिश्नर्स के. तो चीफ इलेक्शन कमीशन प्रेजिडाइज ओवर द इलेक्शन, पूरा वर्क जो इलेक्शन का होता है प्रेजिडाइज करने का वो किसका होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन का, बट डज नॉट हैव मोर पावर देन ई सी. तो उसके पास इतनी पावर नहीं होती है, ई सी के जितनी उसके पास पावर्स जो हैं वो इक्वल होती है, डज नॉट हैव मोर पावर देन ई सी, ई सी से ज़्यादा पावर नहीं होती है. इट मीन्स इक्वल इक्वल पावर्स होती हैं, तीनों के पास क्या होती है, इक्वल पावर होती है. अगर डेट डिसाइड करनी है इलेक्शन की कब कंडक्ट करवाना है, तो अगर एक कहता है कि इस डेट पर करवाने हैं, दूसरे अगर उसके लिए एग्री नहीं होते, तो यहाँ पर तीनों की पावर, तीनों अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट डिसीजन लेते हैं. इज़ इट क्लियर? अब अपॉइंटमेंट कौन करता है, हु अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन सी ई सी. द इलेक्शन कमीशन एंड टू द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड टू इलेक्शन आर अपॉइंटेड by President on the advice of Council of Ministers. अब appointment कैसे होता है, तो द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड टू इलेक्शन कमीशन्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, इज़ वन मार्क्स क्वेश्चन कि ईसी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन सीईसी का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और किसके एडवाइस पर किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर किया जाता है. There are suggestions to change procedure. लेकिन उसने कहा कई बार ऐसा होता है कि सी ई सी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में पार्टीशनशिप कर लेता है, उसके साथ मिल जाता है, इसीलिए इस प्रोसीजर्स को चेंज करने के लिए कुछ सजेशंस गिवन की गए हैं. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन
with the leader of opposition party and chief Chief Justice necessary to appoint हमने देखा चीफ इलेक्शन कमीशन और टू इलेक्शन कमीशन जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट यहाँ पर जो है वो एक लोगों को डाउट एक फियर रहता है कि कई बार जो है वो रूलिंग पार्टी जो होती है वो ईसी के साथ मिल जाती है, इसीलिए यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए हैं जो इस प्रोसीजर्स को चेंज करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन विद द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस आर नेसेसरी टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो किस किस का होना ज़रूरी है, एक तो इसमें अपोजिशन पार्टी का लीडर इंक्लूडेड होता है, इवन चीफ जस्टिस जो हैं दे आर नेसेसरी टू अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी। तो यहाँ पर हमने इसका देखा। आफ्टर दैट है tenure, कितने टाइम के लिए, टाइमिंग के लिए चूज किया जाता है। द ईसी, द सीईसी अपॉइंटेड फॉर 6 years, 6 years and till the age of 65 years। तो हमने देखा कि CEC और टू इलेक्शन कमीशन होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर चूज किया जाता है। बट कई बार चांसेस होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो सीईसी से, चीफ इलेक्शन कमीशन से पार्टीशनशिप कर लेती है, उनके साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन विद द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड, आर नेसेसरी टू अपॉइंट ए सीईसी एंड ईसी। तो किस किस का होना ज़रूरी है कि एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी का लीडर के साथ साथ किसका होना ज़रूरी है, चीफ जस्टिस का होना ज़रूरी है। इसका टेन्योर, टाइम पीरियड कितने कितने साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं, द सीईसी अपॉइंटेड फॉर 6 years, ठीक है। यहाँ पर यहाँ रिमेंबर रखना है कि कितने ईयर्स के लिए चूज़ किया जाता है, 6 years के लिए एंड टिल द एज ऑफ 65 years तक, और वो अपनी पोस्ट पर कितने ईयर्स तक रह सकता है, 65 years तक। आफ्टर दैट है रिमूवल, अब हटाया कैसे जा सकता है उसको, उसका टाइम पीरियड होने से बिफोर कैसे हटाया जा सकता है, रिमूवल कब किया जा सकता है, उसको हटाया कब जा सकता है। तो उसने बताया इफ बोथ द हाउसेस इफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मेक्स स्पेशल मेजॉरिटी,
ठीक है, अगर वो सीईसी जो है वो 6 ईयर्स के लिए अपॉइंटेड होता है, और कौन कितनी एज तक रह सकता है, 65 ईयर्स की एज तक अपने उस पर पोस्ट पर रह सकता है. रिमूव कैसे किया जा सकता है, रिमूव कैसे किया जा सकता है, इफ़ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मेक्स ए स्पेशल मेजोरिटी. बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर दोनों ही स्पेशल मेजोरिटी बना लेते हैं तो उसको अपने टाइम पीरियड से पहले, सीईसी को अपने टाइम पीरियड से पहले रिमूव किया जाता है. बट रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और किसके थ्रू रिमूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू. अपॉइंटमेंट भी किसके थ्रू किया जा रहा है, प्रेसिडेंट के थ्रू, और रिमूवल भी किसके थ्रू किया जाएगा, प्रेसिडेंट के थ्रू. अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या है, व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स है 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, सेकंड है सिंपल, सिंपल मेजोरिटी ऑफ, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द टोटल हाउसेस. ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या मींस क्या है कि अगर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आता है कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग, कि जिस दिन उसको हटाया जाना है हटाया, उस समय दोनों हाउसेस में कितने प्रेजेंट हैं मेंबर्स और उनकी वोटिंग के बेस पर. ठीक है, 2/3 मेजोरिटी होनी ज़रूरी है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, और एक सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ लो, दोनों हाउसेज की. अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो आपको क्लियर हो गया सीईसी अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर्स एंड कितनी ईयर्स की एज तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है, 65 ईयर्स. अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, प्रेजिडेंट के होता है, प्रेजिडेंट जो है वो अपॉइंटेड करता है, और रिमूवल भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा. ठीक है, रिमूव करने के लिए, उसको अपनी पोस्ट से रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, अगर दोनों हाउसेज जो हैं वो स्पेशल मेजोरिटी पास कर देते हैं, तो स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स है कि 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस दिन जितने लोग मेंबर प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग के बेस पर, और सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेज. फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में मॉनिटर है और उसको हटाना है, तो टोटल स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में 50 हैं, ठीक है 50 हैं, तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, 50 टोटल मेंबर स्टूडेंट आपकी क्लास में है 57 स्टूडेंट हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट का, हमने निकाला कि सिंपल मेजोरिटी निकालते हैं, सिंपल मेजोरिटी मतलब उसमें कितने, तो 29 स्टूडेंट जो हैं वो क्या करेंगे, सिंपल मेजोरिटी 29 स्टूडेंट, टोटल कितने हैं 57 में से 29 जो हैं वो स्टूडेंट अगर मेजोरिटी दे देंगे तो उसको मॉनिटर को रिमूव किया जा सकेगा. उसके अलावा अगर उस दिन प्रेजेंट 51 है, ठीक है, उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन रिमूवल करना है, उस दिन वोटिंग करवाएंगे, तो अगर प्रेजेंट 51 है तो 51 में से एक डिनाइड कर देता है तो टोटल कितने हैं 50 लोग वोट देंगे, कितने लोग वोटिंग करेंगे 50 पर लोग वोट देंगे, और 50 में से 50 का 2/3 निकालना है हमें. ठीक है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 50 का 2/3 निकालने के बाद में कितने होनी चाहिए 33. ठीक है,
तो यहाँ पर हमने दो तरीके, दोनों तरीके देखे। एक में तो टू थर्ड मेजोरिटी कि अगर उस दिन क्लास में 51 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं बट एक स्टूडेंट जो है वो वोटिंग के लिए रेडी नहीं है, तो टोटल कितने कितने स्टूडेंट ने वोट किया, 50, और 50 का टू थर्ड निकाला हमने तो कितना हो गया, 33 स्टूडेंट हो गए। और सिंपल मेजोरिटी हमने निकाली तो सिंपल मेजोरिटी में कितने स्टूडेंट जो थे वो थे 29। तो इस तरह चीफ इलेक्शन सीईसी को हटाने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। अब आता है कि द फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया थे सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन जो थे वो फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया थे। अब पढ़ते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सीईसी, ठीक है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द सीईसी, ये एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि उसकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या होती है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इट सुपरवाइज एंड प्रिपेयर अप टू डेट वोटर लिस्ट, ठीक है, वोटर लिस्ट एंड एनश्योर एनश्योर दैट वोटर्स लिस्ट आर इज फ्री ऑफ एरर्स। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ सीईसी क्या होता है कि इट सुपरवाइज एंड प्रिपेयर अप टू डेट। अप टू डेट मीन्स कि वोटर लिस्ट को इस तरीके से अप टू डेट प्रिपेयर करवाना और इंश्योर करना दैट वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर्स, कि वोटर लिस्ट जो बनाई गई है वो फ्री ऑफ एरर्स है। इट मीन्स कि जिनकी एज 18 ईयर्स हो चुकी है उनको इंक्लूड करना, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई है उनको हटाना, ठीक है, करेक्शन करना, ये सारा वर्क जो होता है वो ईसी के सीईसी के अंडर में होता है। सेकेंड फंक्शन है इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, कि इलेक्शंस एंड प्रिपेयर इलेक्शन शेड्यूल, ऑल डेट्स डिसाइडेड nomination contest election counting and result declaration। फर्स्ट फंक्शन क्या था कि अप टू डेट वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना ताकि इंश्योर हो सके कि वोटर लिस्ट जो है वो फ्री ऑफ एरर्स है। इट ऑल्सो डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन मतलब टाइम इलेक्शन का जो है वो डिटरमाइन करना, और प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल भी प्रिपेयर करते हैं। इलेक्शन शेड्यूल्स और टाइमिंग में क्या आता है, ऑल डेट्स डिसाइडेड बाई
ईसी, ठीक है, डेट्स जो हैं वो सीईसी और ईसी डिसाइडेड करते हैं, जैसे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नॉमिनेशन की जो डेट है फिलिंग करने की वो क्या है, वोटिंग किस दिन होगी, कंटेस्ट इलेक्शंस कैसे होंगे, काउंटिंग एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, ऑल द डेट्स आर डिसाइडेड बाय द ईसी, इलेक्शन कमीशन या सीईसी जो है वो सारी डेट्स का डिसीजन करता है. थर्ड फंक्शन है द ईसी हैज पावर टू टेक डिसीजन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. थर्ड फंक्शन है ईसी हैज पावर टू टेक डिसीजन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ईसी के पास पावर्स होती हैं कि वो डिसीजन ले सकता है कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं. तो फर्स्ट है पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन. सेकंड है इम्प्लीमेंट ए मॉडल ऑफ कंडक्ट. थर्ड है कैन ऑर्डर टू रीपोल एंड रीकाउंटिंग. तो ईसी हैज़ पावर टू टेक डिसीजन, वो डिसीजन ले सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए. सबसे पहले पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन, उसके पास पावर्स होती हैं कि वो पोस्टपोन कर सकता है या इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है. जैसे कि गुजरात के अंदर रेआउट्स हुए थे उसमें ईसी ने जो है वो चाहे तो पूरे इलेक्शन कैंसिल कर सकता है या किसी एट में भी किसी अदर स्टेट्स में भी इलेक्शन कैंसिल कर सकता है. इम्प्लीमेंट ए मॉडल ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन में स्टैंड हो रहे हैं वो वोट्स जो हैं वो किसी रिलीजन के नाम पर नहीं मांगे, ठीक है. ये सारा वर्क मतलब जो वो बिहेवियर कर रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में. इम्प्लीमेंटिंग द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करता है किन के लिए, जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन के लिए स्टैंड हो रहे हैं. कैन ऑर्डर टू रीपोल एंड रीकाउंटिंग, अगर उसे लगता है कि इलेक्शन फेयर मैनर में नहीं हुए तो वो रीपोलिंग के ऑर्डर कर सकता है या फिर रीकाउंटिंग के ऑर्डर भी कर सकता है. उसके अलावा फोर्थ फंक्शन क्या है, ईसी द ईसी अलॉट सिंबल एंड रिकॉग्नाइजेशन टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी. तो ईसी जो है वो सिंबल एंड रिकॉग्नाइजेशन टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी, कि ईसी जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को एक सिंबल अलॉट, यूनिक सिंबल अलॉट करता है और उन्हें रिकॉग्नाइजेशन देता है कि ये स्टेट पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी है. तो यहाँ हमने चार फंक्शंस पढ़े हैं. सबसे पहला है सुपरवाइज, सुपरविजन का वर्क करता है एंड प्रिपेयर अप टू डेट वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करता है और टू एंश्योर कि वोटर लिस्ट जो है वो एरर फ्री है. सेकंड उसने क्या वर्क किया ईसी का, कि टाइमिंग या डेट डिसाइड, इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करना, जिसमें कि इलेक्शन की डेट डिसाइड करना, नॉमिनेशन की डेट डिसाइड करना, इलेक्शन कब करना, इलेक्शन की डेट डिसाइड करना, रिजल्ट की डेट डिसाइड करना, और डेट्स जो हैं वो किसके थ्रू डिसाइड की जाती हैं, ईसी के थ्रू. थर्ड फंक्शन है कि ईसी हैज़ पावर टू टेक डिसीजन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ईसी के पास पावर है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं,
पोस्टपोन और कैंसिल ए इलेक्शन, वो पोस्टपोन भी कर सकता है और इलेक्शन कैंसिल भी, रिकाउंटिंग भी करवा सकते हैं, रीपोलिंग का ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा गाइडलाइंस जो हैं वो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए स्टैंड है उनके लिए गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करता है, उसे बोलते हैं मॉडल ऑफ कंडक्ट। उसके अलावा ईसी जो है वो एवरी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल एंड रिकॉग्नाइजेशन गिवन करता है। तो ये चारों फंक्शंस जो हैं वो किसके हैं, ईसी के। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि ईसी जो है उसका कंपोजिशन, कितने मेंबर होते हैं, अपॉइंटेड कौन करता है, कितने पीरियड के लिए रहते हैं, रिमूवल कैसे किया जाता है, कैसे उनको हटाया जा सकता है उनकी पोस्ट से अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने से पहले, और ईसी के फंक्शंस और पावर्स। थैंक यू।